हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के कोटा में धार्मिक नगरी कोटा स्थित रामधाम आश्रम में रोज नवरात्र में 2.5 लाख आहुतियां दी गयी। श्री 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 1008 परम पूज्य अवधेश कुमार दास महाराज, संस्थापक बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर श्री अयोध्या राम घाट के सानिध्य में पुजारी लक्ष्मण दास महाराज तथा रामेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक विश्व कल्याण व गौ माता की रक्षार्थ महायज्ञ का आयोजन किया। संवाददाता सोहन सेन। नमस्कार, मैं हूं आपका सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। आज हम कोटा राजस्थान आए हुए हैं रामधाम आश्रम में, चलते हैं और आपको यहां के जो मठ के महंत हैं उनसे रूबरू कराते हैं। जी गुरुदेव, आप बताना चाहेंगे यहां पर ये जो वेद पुराण है और शास्त्र है, यहां पर अखंड रामायण पाठ चल रहा है, यज्ञ हवन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि ये अनुष्ठान जो हम विगत समय में भी दो अनुष्ठान पहले भी हो गए, कोरोना महामारी के उसके लिए रखे गए हैं, और ये नवरात्रा का जो है 9 तारीख 4 तारीख तक दैनिक यज्ञ है जिसमें 2.5 लाख आहुतियाँ रोज दी जाती हैं, और ये 4 तारीख को पूर्ण आहुति है। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है और हमारे भगत के सहयोग से ये आश्रम रखा गया है। हमारे विद्वान ये रोज सुबह 8 बजे 12 बजे तक जो है यह गोता है जिस 2.5 लाख आहुति है रोज प्रति रोज पड़ रही है। शुभ नाम बताएंगे सर? रमेश गुप्ता। तो कितना समय हो गया लगभग? 84 से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब 16 और 23 40 साल करीब हो गए। 40 साल से मैं यहाँ काम कर। तो आपने यहाँ पे क्या क्या जो चमत्कार देखा, किस प्रकार से, क्योंकि आपका भी जीवन एक दुर्मय जीवन रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? लगभग जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे थे आज हर तरह से वेल टू डू है। मैं तो दूसरे की बात क्या करूँ, अपनी बात कब बताता हूँ कि उस जमाने में मेरे पास एक साइकिल थी, एक तरफ पेडल था एक तरफ एक्सल था। भगवती की कृपा हुई और वो उस कृपा से आज मैं जिस हालत में हूँ वो आपको पता है। तो ये सब जो है साधना की और भगवान की कृपा। और अब हम आगे लेके चलते हैं आपको। जी यहाँ पर ये जो मूर्तियाँ लगी हुई है, किस किस की लगी हुई है मंदिर के? चंद्रमलेश्वर महादेव, महा सरस्वती माँ, और किसकी मूर्तियाँ लगी हुई? महालक्ष्मी मैया और माँ शक्ति, महान्नपूर्णा और खाटू श्याम बाबा, यज्ञशाला में सत्यनारायण भगवान जी है, और सिद्ध विनायक गणेश जी महाराज, और सालासर हनुमान जी महाराज गेट पे है। और आगे लेके चलते हैं आपको। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। यहाँ पर किस प्रकार का जो कार्यक्रम है जो हो रहा है, ये यज्ञशाला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महालक्ष्मी यज्ञ हो रहा है और ये 9 तारीख से जारी है, और महालक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ हो रहा है, और यहाँ 2.5 लाख करीब आहुतियाँ डेली दी जा रही है ना। श्रद्धालुओं को बहुत भीड़ रहती है सवेरे के टाइम पे, बहुत अच्छा रस रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु है लाखों की संख्या में आते हैं, और देख सकते हैं आप कल विशाल कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर महालक्ष्मी और जो यहाँ पर है माँ अन्नपूर्णा और खाटू श्याम जी, यहाँ पर कई तमाम जो देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं लगी हुई है, और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु है। लगातार अनवरत रूप से श्रद्धा और आस्था का केंद्र है रामधाम आश्रम। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है 9 दिन से लगातार। आप देख सकते हैं किस कदर से यहाँ पर जो लिंग पुराण है और यहाँ पर जो जितने भी पुराण है उनका यहाँ पर जो मंत्र पाठी जो ब्राह्मण है उनके द्वारा अध्ययन यहाँ पे किया जा रहा है। वराह पुराण है, स्कंद पुराण है, देख सकते हैं आप किस कदर से यहाँ पे लगातार अनवरत रूप से यहाँ पर एक विश्व के अंदर एक अद्भुत
स्थान है, चमत्कारिक स्थान है रामधाम आश्रम। लाखों लोग यहाँ पे दूर दराज से भारत के कोनों कोनों से यहाँ पे दर्शनार्थी लाखों की संख्या में यहाँ पे अपने आप को यहाँ दर्शन करके और कुंभ स्नान से कम नहीं समझते हैं। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राम विलास वैष्णव के कोटा से जोन ब्यूरो सोहन सेन की कास्ट रिपोर्ट। Mm-hmm.